वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 26 नवंबर को एक साल पूरा होने वाला है। किसान दिल्ली की सीमा पर सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होगी। बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बैठक में आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर मंथन होगा। हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से तो प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है। यहाँ के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा पर प्रभावी फैसले लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत 26 नवंबर से आंदोलन को तेज करने की बात पहले ही कह चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पर बैठक में प्रभावी फैसले लेने का दबाव है। हरियाणा के संगठन अपनी तरफ से दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने की बात कर चुके हैं, लेकिन इसी साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संयुक्त मोर्चा भी इस तरह की गतिविधि को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में संसद का सत्र चला तो उसके बाहर प्रदर्शन को लेकर भी सीमित संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे थे। बैठक में इन्हीं सब बातों पर मंथन होगा। इसके साथ ही पिछले दिनों बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर हुई गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। तो ममता, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक आज होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और सभी की निगाहें इस बैठक पर रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे का समय है जब प्रस्तावित है कुंडले के पास संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26 नवंबर 2020 से ही किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार वो इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि 3 काला कृषि कानून जिसका नाम उन्होंने दिया है उसको वापसी करने के लिए लगातार किसानों की तरफ से ये मांग किया जा रहा है कि केंद्र सरकार उस बिल को, कानून को वापस ले। लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार बार बार यही कह रही ये कि अगर कोई संशोधन चाहते हैं किसान तो बताएं, कानून वापसी संभव नहीं है। और देखा जाए तो इसी को लेकर लंबे समय से किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह पर। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वो गाजीपुर बॉर्डर पर लंबे समय से बैठे थे, सिंघू बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी था और जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रहा था। PIL दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने खुलवाने की कोशिश की और सिंघू बॉर्डर को भी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक नई रणनीति किसान मोर्चा की तरफ से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होगी और कि आगे की रणनीति आखिरकार किसान संयुक्त मोर्चा की क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में सूत्रों की माने तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मानना है कि अब उनको किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहिए और कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर सकें। तो यह सब कैसे मुमकिन होगा, इन तमाम चीजों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है और उस बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा कि आखिरकार किसानों का ये जो आंदोलन है उसको आगे किस तरीके से ले जाना है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो ऐसे में किसान कोशिश करेंगे दिल्ली में दाखिल होने का, ताकि एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन, ताकि उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाया जा सके या फिर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश होगी। ये 3 बजे का वक्त है जब संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बैठक होने वाला है और देखना यह होगा कि आखिरकार ये जब बैठक होगी तो इसमें क्या कुछ फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिया जाएगा। बिल्कुल ममता, किसानों ने तपती धूप सही, अब ठंड का मौसम भी है, लगातार बारिश में भी डटे रहे किसान, एक साल लगभग अब होने पूरा होने वाला है। ऐसे में ये भी देखा गया कि जहाँ जहाँ सीमाओं पर वो बैठे हैं तो ऐसे में लोगों को भी अब आदत हो गई है, अब कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये ठंडा पड़ गया है और इसीलिए अब ज़रूरत है कि कोई नई रणनीति, ताकि किसान यहाँ पर जो किसानों की आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुँचे, ज़रूरी है किसानों की तरफ से भी बनाना। ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की क्या रणनीति किसान फिलहाल बनाते हैं। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर ममता सरकार की, तो सरकार का जो मूड है वो क्या नज़र आ रहा है और क्या भविष्य इस आंदोलन का नज़र आ रहा है फिलहाल?
मोनिका, किसान तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन मुमकिन है लेकिन बिल वापसी, कानून वापसी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अब किसानों को ही तय करना है कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, क्योंकि अगर किसानों की बात करें मोनिका, तो उनसे जब भी ये पूछा जाता है कि जो तीन काला कानून की बात वो लंबे समय से कर रहे हैं वो आखिरकार है क्या, इस सवाल का जवाब देने से हमेशा से ही किसान आंदोलन में बैठे जो किसान हैं वो बचते हैं, इसका जवाब नहीं देते। आखिरकार उनकी समस्या क्या है, वो चाहते क्या है। जब वो लगातार MSP की बात कर रहे थे तो सरकार ने MSP भी बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है कि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि कानून वापसी होगा नहीं, संशोधन मुमकिन है और किसान संशोधन बताने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार किसान आंदोलन खत्म होगा कैसे, क्या अन्नदाता यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क पर है वो अन्नदाता नहीं है बल्कि वो तो सियासतदान है, सियासत करने वाले लोग हैं जो जगह जगह पर जहां पर भी चुनाव होता है। अगर राकेश टिकैत के बयान को देखें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहां पर भी चुनाव होगा वो BJP के खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे और लोगों से भी ये अपील करेंगे कि वो BJP के खिलाफ वोटिंग करें। तो ऐसे में भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि ये किसान तो है नहीं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसान होते तो वो अपने खेतों में काम करते। किसान लोगों के पास वक्त कहाँ है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो तो अपने खेत में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों का मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरीके से पहले किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी राजनीतिक दल उनके मंच पर नहीं होगा, लेकिन बीच में देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो है वो किसानों तक पहुँचते हैं जहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, भले उनके मंच पर आसीन नहीं होते लेकिन मंच के करीब होते हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ मुहैया कराई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन जब कोई आंदोलन सियासत का रूप ले लेता है तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार बीच का रास्ता क्या निकलेगा। किसान वो बात बताने को तैयार नहीं है, उनको समस्या कहाँ पर है और केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि कानून वापसी नहीं होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, क्योंकि किसान तो अपने घरों की तरफ भी रुक कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो इकट्ठा है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में इस आंदोलन में जान फूंकने के लिए आगे की रणनीति क्या कुछ होगी। 3 बजे का वक्त है जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ी बैठक होगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार वो लोग आगे करने क्या वाले हैं। बिल्कुल ममता, और बहुत ज़रूरी है इस आंदोलन का कोई बीच का रास्ता निकले, इस पूरे मसले का कोई यहाँ पर हल निकले, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत परेशानी हो रही है। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।